हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। मैंने बताया था कि बारिश जैसा मौसम है तो बारिश नहीं होनी चाहिए, वरना जो भी ईंट बनाते हैं ना उनका नुकसान हो जाएगा। बट बारिश हो गई। जैसे जो ईंट बनाते हैं उन्होंने जितनी ईंट बना दी उनके उतने तो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन फिर जो शेड बनवाते ईंट ना उनका भी तो नुकसान होता है। बात कहीं भी नुकसान तो होता ही है ना, जब उस चीज़ को बनाने में मेहनत तो लगती ही है। और जैसे अभी बारिश हो ही रही है तो अब हम जैसे पहले में भी ईंट बनाता था ना, तो हम लोगों का भी काम बंद हो जाएगा। जब तक बारिश खुलेगी नहीं ना तब तक हम काम नहीं कर सकते, तो एक ये भी नुकसान होता है। ऊपर से ठंड लगती है, और जैसे हम भी पिछले साल काम करने के लिए गए थे तो बाहर रहने के लिए गए थे, तो वहाँ कहीं भी एक छोटी सी टापरी बना के रहना पड़ता है, तो बारिश में वो पानी भी टपकता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए था, बारिश नहीं होनी थी। जैसा मौसम रहे तब बारिश होना चाहिए। अभी सुबह के बज रहे हैं, मैंने कितने बजे ब्लॉग शुरू करा है देखो, 8:30 बज चुके हैं और अभी भी बारिश हो रही है। मैं दिखाता हूँ, रात भर से पानी आ रहा है। मोबाइल गीला होगा या नहीं दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। और बारिश के बाद देखो, ये देखो, ये सब पूरा गीला गीला अभी भी हो ही रही है बारिश। आप देख ही सकते हो, अंदाजा लगा ही सकते हो। और ये बारिश में कार किसकी आ गई भाई साहब। और मैं ब्लॉग शूट करने के लिए बाहर आ गया पानी में ही, कैमरे में पानी आया ना तो धुंधला धुंधला दिखने लग जाएगा, बट चलता है थोड़ा बहुत। तो मेरा जो मोबाइल है ना इसमें पानी से कोई दिक्कत नहीं होती है, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे मोबाइल के सामने जो स्क्रीन है ना वो टूटी हुई है। अगर वहाँ पे पानी चलेगा तो शायद अंदर घुसने का डर रहता है। और देखो, कल के ब्लॉग में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ये दरवाजे लग चुके हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अभी जाते हैं फिलहाल अंदर और देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं। ये गुड मॉर्निंग तो किसी ने बोला ही नहीं पहले। और इधर ये कमल करवा रहा है बिट्टू तन्नू को पढ़ाई, तो आज ये कमल पढ़ा रहा है क्योंकि आज बारिश हो रही थी, ये भी घर पर ही है। और इधर हमारी मम्मी, क्या हालचाल मम्मी, ठंड लग रही है तो मम्मी को लग रही है ठंड, देखो कैसी बैठी हुई है ठंड में। मम्मी लेट जाओ ना, लेट जाओ। और इधर दीदी, ठंड लग रही है इधर तो। दीदी पहले ही होड़ तोड़ के बैठती। अभी जिस तरह से बारिश हो रही है ना उससे ऐसा लग रहा है कि बारिश का मौसम आ गया हो। अब झड़ी टाइप हो गई, रात भर से पानी आ रहा है तो बारिश का भी मौसम लग रहा है ना। तो अब ये इधर देखो, और यहाँ पर इधर देखो, ये मम्मी देखो, ये बादाम, और ये खारीक। इसको खारीक बोलते आप लोग क्या बोलते हैं? और इसमें काजू भी है, काजू का ये काजू इनके लिए लाके रखे हुए दो बंदर उनके लिए। देखो रोज इन दोनों को बादाम खारीक सब खाने के लिए देते हैं मम्मी। इधर दीदी को लग रही है ठंडी, कैसे काप रहे देखो और मम्मी इधर खिला रही है इनको बादाम काजू बादाम। अरे भाई साहब भी खा रहे ये, इसमें इसने पता नहीं इसको कितनी देती, देखा तो वाह सबसे ज्यादा मम्मी उसको देती नहीं, मुझे तो देते ही नहीं। अरे मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं नहीं खाता अभी। हेलो कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा था, अभी इन सबका बादाम खाना हो रहा है। मैं नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मैं वर्कआउट करूंगा। और पता है हमारे यहाँ जो भी खाने के लिए लाते हैं ना, जैसे कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और डाइट पे हूँ, तो मैं अपने लिए खुद कहीं कोई चीज खाने के लिए ले रहा हूँ अकेले खाने के लिए, तो हमारे घर वो नामुमकिन है। जो भी चीज मैं खाने के लिए लाऊंगा ना वो हम सब मिलके ही खाएंगे, जैसे बादाम वगैरह है ना। तो मैं भी सोच रहा था कि बादाम लेके आऊं अपने लिए, लेकिन मम्मी ने पहले ही लाके रखे हुए थे काजू बादाम सब लाके, तो सभी लोग खाते हैं, मतलब मैं अकेला खाने का कोई चांस ही नहीं है, सभी लोग मिल बांट के हम लोग खाते हैं। तन्नू को अंडे नहीं मिलेंगे खाने को, मिलेंगे सबको। अरे गिर जाएगी, अरे देंगे वैसे कोई देंगे। तो हमारा कुछ ऐसा ही होता है क्योंकि शुरू से हम लोगों को आदत है ना, हम जो भी चीज लाते हैं थोड़ी सी भी क्यों ना लाए उसको हम सब मिल बांट के खाते, तो अभी भी वैसी की वैसी आदत है, कुछ भी लाओ सब मिल बांट के ही खाते। देखो ये धागे से काटने की कोशिश कर रहा हूँ, बारीक धागा लगा सब टच कर। तो ये अंडा हो गया, कौन खाएगा अंडा? ये खाने के लिए तैयार है सभी के सभी। खाओ खाओ बेटा, अच्छे से खाओ, चलो खाओ। देखो ये खा लिया इसने, मम्मी आप भी खाओ ना। हैं मम्मी नहीं खाती खास, तो हमारी तन्नू खाती है अंडे। मैं भी खाता हूँ। हाँ तू कम खाता है। और ये और निकाल रहे, देखो ये
तभी तो ये अंडे खा ले सबके सब, उसके बाद मैं खाऊंगा। और इधर बना रही है दीदी रोटी। दीदी मक्के की रोटी कब बनाओगे? अरे वो रेसिपी वाली बनाना है, रात को बनाई थी सर। कभी टाइम निकाल के बनाना है, रेसिपी बताना मक्के की रोटी कैसे बनाती है, है ना। और ये गेहूं की रोटी बन रही अभी तो। और ये देखो कैसे खड़े, एक वहां खड़ा है, एक यहाँ खड़ी है, एक क्योंकि इनको खानी है पपीता। ये देखो आपको खाना है पपीता, किस किस को खानी है? दादी लाई थी, दादी लाई थी बेटा। तो ये दिन भर इनको कुछ ना कुछ खाने को होना ही। अभी खा रहे ये लोग पपीता। पानी तो अभी भी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है, हो ही रही है बारिश। आज ना घर का काम शुरू होने वाला था बट मौसम की वजह से काम नहीं शुरू हुआ। कल तो आप लोगों ने देख लिया, ईंट वगैरह भी आ गई, दरवाजे भी लग गई। तो ऐसे जैसे वो चढ़ाव क्या बोलते उसको, टावर का काम शुरू होने वाला था बट पानी आ गया तो काम आज नहीं हुआ। अब कल देखते हैं, कल तक अगर बारिश खोली तो काम शुरू होगा। अभी गांव में से किसी का कॉल आया, बोल रहा है तेरा पार्सल आया हुआ है गांव में, तो मार्केट, सॉरी हम मार्केट को गांव बोलते हैं। तो अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ पार्सल लाने के लिए। और इधर मेरा हुलिया देखो कैसे क्या हो गया, मैं एडिटिंग कर रहा था और कॉल आ गया था। अभी फटाफट जाता हूँ, पता नहीं कैसे यार पार्सल कैसे आ गया, मैंने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं करा था। देखते हैं क्या है। ठंडी भी बहुत लग रही है बट मैं ऐसे ही आ गया। देखो टी शर्ट स्वेटर भी नहीं पहनी और ऐसे आ गया पार्सल लाने के लिए। और ये मार्केट में देखो कैसा क्या हो गया माहौल, आप देख सकते हो पानी की वजह से ऐसा लग रहा है कि बारिश का मौसम आ गया अचानक ही बारिश होने के बाद। और ये ना नए वाले का भैया है, वरना जो भी इससे पहले भी पार्सल वगैरह देने आते थे ना तो उनको मेरा एड्रेस पहले से पता होता था बट इनको नहीं पता है, इनको बताना पड़ेगा तो पता चल जाएगा ना। भाई साहब भाई साहब भाई साहब क्या हो गया बोल बोल। तो इसने मेरे को कॉल करा था कि तेरा पार्सल आया हुआ है। हाँ वही नाम से होगा, संतोष रोकड़े नाम से। ये वाला है ना, तो ये रहा देखो पार्सल। क्या होगा इसमें कुछ अंदाजा है? देखो जर्की। अरे वाह यार तेरे में बहुत दिमाग है यार, ऐसे कैसे तेरे को पता कि जर्की होगी? देखते हैं क्या होता है, इसने दिमाग लगाया जर्की वर्की बोल रहा, मतलब जर्की मतलब स्वेटर बोल रहा है। ये किसने पहुँचाया? ये कौन पहुँचाएंगे? उधर ये देख सकते हो पार्सल तो ले लिया है, पहुँचाया किसने ये पता नहीं चलता है। देखते इसमें क्या होगा अंदर, तो घर जाके पता चलेगा। अभी घर के लिए निकलते हैं। ये देखो ये पार्सल लेके घर आ गया हूँ। अभी नहीं खोलना, अभी मैं एडिटिंग कर लेता हूँ, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ अभी ब्लॉग की, बाद में खोलेंगे ना पार्सल। मम्मी क्या होगा इसमें पता है आपको? बिट्टू क्या है, क्या है, क्या होगा दीदी बता? स्वेटर, सब स्वेटर ही कैसे बोल रहे, आपको पता है कि क्या है? सब स्वेटर स्वेटर बोल रहे। मैं भी चेक करता हूँ हाथ लगा के, लग तो वैसा ही रहा स्वेटर जैसा, बाद में खोलेंगे इसको, रख देते हैं अभी तो। और इधर तो अभी तन्नू तैयार हो रहे, कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे छोरी? गांव में। और ये हमारा फिर कब है साड़ी, किसके लिए ले रहे? देखो मेरे बाल कैसे जमा लिए, काफी टाइम से भी मैं एडिटिंग कर रहा था ब्लॉग की, जो कि हो गई है कंप्लीट। ब्लॉग भी अपलोड पे लगा दिया है, अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, अगर मैं छत पे जाऊंगा तो जल्दी हो जाएगा। बट अभी मुझे नहाना है, बिट्टू तन्नू ने तो नहा भी लिया है, मैं नहा लेता हूँ फटाफट। मेरा नहाना भी हो गया है और बिट्टू तन्नू भी आ गए, दीदी के साथ गए थे, आ गए और कुछ खाने के लिए लाए हुए, वो खा रहे, दिखाता हूँ। ये दोनों अभी खा रहे हैं, क्या खा रहे? भजे भजे, वो भी मिर्ची के भजे। पार्सल भी खोल लेते हैं, आखिर देखते हैं उसमें क्या आया हुआ। और इधर तन्नू तो बैठ गई है पार्सल के लिए। मम्मी क्या हो गया, नींद आ रही? पार्सल खोले, पार्सल चलो खड़े हो ना, भजन है, देखते हैं क्या है इसमें। काफी दिनों के बाद आया हुआ है पार्सल। बात तो ये है कि ये पार्सल आया तो है लेकिन आया किसके लिए, जैसे कि मेरे लिए आया है, मम्मी के लिए आया है, कि बिट्टू के लिए आया है, कि तन्नू के लिए आया है, कि दीदी के लिए आया है, कि कमल के लिए आया हुआ है, किसके लिए आया हुआ है? ये पार्सल किसने भेजा वो पता ही नहीं है यार, मतलब नाम तो बता दिया करना चाहिए ना, नाम बता देना चाहिए ना कि किसने भेजा हुआ है, पता ही नहीं कि किसने भेजा हुआ है। और अब कुछ लोग ये बोले कि आपका एड्रेस कैसे पता चला, तो मेरा एड्रेस मैंने एक ब्लॉग बनाया था पहले, बहुत पहले, उसे मैंने अपना पूरा एड्रेस दिया हुआ है। अब जो डेली ब्लॉग देखते होंगे उनको तो मेरा एड्रेस पूरा पता ही होगा, तो उनसे तो कुछ छुपा ही नहीं कि कैसे क्या एड्रेस, सब पता ही होगा, तो उस हिसाब से ये भेजा हुआ होगा। बट मेरी मेन प्रॉब्लम ये है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भेजा किसने है, ठीक है।
तो अब ज्यादा बकबक नहीं करते हुए खोल के भी दिखा देते अरे इसमें तो जैकेट है जैकेट जैकेट है देखो क्या मस्त है वो लाइट चलेगी एक सेकंड लाइट चलेगी हम उजाले में जाके वीडियो शूट करते हैं अभी हम घर में शूट कर रहे थे लेकिन आप लोगों ने भी देखा लाइट चले अगर दिखाते तो अच्छे से आपको दिखता ही नहीं और बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है तो इसमें है जैकेट देख सकते हो ये काफी अच्छा लग रहा है और लड़कों का है तो जाहिर सी बात है मेरे लिए ही होगा तो इसको खोलते हैं पन्नी में पेन नहीं पन्नी में चेन है इसमें शायद ये क्या ये खोलते हैं वाओ क्या जैकेट है वाह यार बड़ा लग रहा है ज्यादा बड़ा लग रहा है जो भी है क्या मस्त मम्मी देखो कैसा कैसा बहुत ज्यादा अच्छा है अच्छा क्या बहुत ही अच्छा टोपी कहाँ है इसमें टोपी नहीं तो ये आया पार्सल में स्वेटर भी बोल सकते इसको नहीं मम्मी बहुत ही अच्छा गिफ्ट है तो ये जिन्होंने भी ये प्यारा सा गिफ्ट पहुंचाया उनको थैंक यू सो मच इनका मौसम चल रहा है और जैकेट कि स्वेटर है दोनों चीज बोल सकते हैं इसको क्या तो बहुत ही बहुत इसे हम गाड़ी भी अच्छे ठंड भी लगा अच्छा है इसको आप वापस पैक कर देते हैं बाद में कभी पहनूंगा तो आप लोगों को भी दिखा दूंगा तो आ गया हूँ मैं छत के ऊपर और पता है जब से ये हालत हुई ना तब से मैंने एक भी रील्स नहीं बनाया हुआ है इस लुक में तो सोच रहा हूँ एक आधी वीडियोस बना के देखूँ इंस्टा के लिए अच्छी बनी तो अपलोड कर दूंगा इंस्टा पर और नहीं बनी तो इसका वेट करेंगे दाढ़ी का बट आप लोग जरूर जाना चेक करने के लिए इंस्टाग्राम पर हो सके मैं अपलोड भी कर दूँ ये ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिले और फिर आप सोचो कि शायद ही अपलोड करी वो और मैंने अपलोड कर दी होगी तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है और ये लाइन में तो हर बार लिख देता हूँ इंस्टाग्राम की आईडी संतोष रोकड़े 143 इंस्टाग्राम पर फॉलो करना और देखना ये लुक में कैसे क्या रील्स बनाई मैंने ठीक है इसने आग जला ली यहाँ पे क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा लग रही है इधर बिट्टू पानी अभी भी आ रहा है देखो बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है लगभग 6:30 बजने वाली होगी दिख रही है बारिश हो रही है तो ये आगे हम अंदर और तन्नु दिखाने गई है क्या है तन्नु ये आलू की सब्जी बनी हुई है हमारी तन्नू ने दिखाया हाँ का है नमक इसमें क्या है रोटी रोटी और मम्मी और दीदी देख रहे हैं उनके सीरियल और इन्हीं सीरियल की वजह से हमको मूवी नहीं देखने देते क्या दिखाता हमको क्या दिखाता तन्नू क्या दिखाता हमको क्या है ये मैगी बिर जलेबी है मेथी है पागल जलेबी कहाँ है जलेबी कहाँ है जलेबी कहाँ है जलेबी और जलेबी तभी तो बोलो तो ये जलेबी किसके लिए मम्मी रुक जा मम्मी को पूछ के आता मम्मी ओ मम्मी ये जलेबी किसके लिए है लेकिन मैं तो खाता ही नहीं चलो ये खाता तो नहीं हूँ पर एक आधा खा लूंगा ठीक है नहीं ज्यादा मीठा नहीं खाना बेटा ज्यादा मीठा नहीं खाना इधर अभी हम ब्लॉग का एंड करवाने के लिए आए ओए क्या कर रहे इसे अरे यार ब्लॉग का एंड कर दो यार नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच गए तो मीटर नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय